सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सफेद सोना कही जाने वाली कपास फसल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी से इन दिनों देश भर के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। राजस्थान से लेकर पंजाब व हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक देश की प्रमुख मंडियों में कपास के भाव में जबरदस्त उछाल आया है। मध्य प्रदेश की खरगोन मंडी में इसी सप्ताह यह 11,115 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गए। यह कपास के 5,726 रुपये के MSP की तुलना में लगभग दो गुना भाव है। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। जानकारों के अनुसार बुआई क्षेत्र में कमी और बेमौसमी बारिश के कारण इस साल कपास उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है। वहीं घरेलू स्तर पर स्पिनिंग मिलों व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती मांग से इसके भावों में जबरदस्त उछाल आया है। सफेद सोने की खान कही जाने वाली मध्य प्रदेश की खरगोन मंडी में इसी सप्ताह कपास की एक ढेरी रिकॉर्ड 11,115 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। वही नरमे कपास की बम्पर फसल के कारण कपास पट्टी से विख्यात राजस्थान की गंगानगर मंडी में शुक्रवार को नरमे की एक ढेरी की बोली 10,501 रुपये प्रति क्विंटल लगी थी। भाव के लिहाज से ये अभी तक का रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने 2021-22 विपणन सत्र के लिए कपास का MSP 5,726 रुपये से लेकर 6,025 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार की ओर से भारतीय कपास निगम MSP पर खरीद करता है, लेकिन खुले बाजार में व्यापारी इससे कहीं अधिक दाम देकर कपास खरीद रहे हैं। खरगोन के कृषि उपनिदेशक का कहना है कि मंडी में कपास की 11,115 रुपये प्रति क्विंटल की बोली इस सीजन और संभव अब तक की सबसे ऊंची बोली है। गंगानगर कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के अनुसार शुक्रवार को नरमा कपास की एक ढेरी 10,501 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी थी। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। उत्पादन कम और मांग ज्यादा होने के कारण कपास के भावों में उछाल है। भाव 9,600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास हैं। निश्चित रूप से कीमतों में तेजी से किसान खुश हैं। कपास निगम के पास कपास का भंडार नहीं है। उत्पादन कम रहने की आशंका के बीच घरेलू मिलों की बड़ी मांग से कपास की कीमतों में उछाल है और इसका भारी फायदा किसानों को मिल रहा है। कपास निगम के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार मौजूदा 2021-22 विपणन वर्ष में देश में 120.69 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई है और उत्पादन 362.18 लाख गांठ रहने का अनुमान है। मंडियों में आवक व व्यापारियों को मिल रही सूचनाओं के हिसाब से वास्तविक उत्पादन इससे कहीं कम रहेगा। इसकी एक बड़ी वजह समय पर बारिश नहीं होने व बेमौसम बरसात से फसल को हुआ नुकसान है। उल्लेखनीय है कि देश के 9 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा शामिल हैं। कपास उत्पादक व खपत समिति COCPC के आंकड़ों के अनुसार देश में 2020-21 में 130.07 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हुई और उत्पादन 353.84 लाख गांठ अनंतम रहा। मौजूदा विपणन वर्ष में यह 362.18 लाख गांठ रहने का अनुमान है। कपास विपणन सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है और एक गांठ 170 किलो की होती है। कपास के हाइब्रिड रूप को पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में नरमा कहा जाता है। हालांकि कपास के भावों में इस तेजी से जहाँ किसानों को फायदा है, वहीं कपास आधारित उत्पादों के दाम बढ़ने लगे हैं। बिनौला जो कभी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करता था, इन दिनों 4,400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इसके साथ ही रुई, धागे जैसे अन्य उत्पाद भी महंगे होने लगे हैं। जानकारों के अनुसार सरकारी स्तर पर कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि कीमतों में इस तेजी का नुकसान किसी को ना हो। सूत्रों का कहना है कि स्थानीय कीमतों में तेजी भारत से कपास निर्यात को प्रभावित कर सकती है। भारत कपास के प्रमुख आयातकों में बांग्लादेश, चीन व नियंताम हैं, जो ज्यादा दाम बढ़ने पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।